वेलकम अगेन माई न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग. दिस इज डॉली मिश्रा. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन मेरी एक छोटी सी बहन आई थी मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में. ठीक है, तो उसका आज बर्थडे है, तो हम वही बर्थडे उसका सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. मैंने ऐसा पहले कुछ सोचा नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ऐसे. लेकिन अभी कुछ 4-5 बजे के लगभग, अभी 7 बजने वाले हैं, लेकिन 5 बजे मेरी बहन का एक मैसेज आया था जिसमें वो मेरे से नाराज थी. तो उसका चैट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, ठीक है, क्या हुआ था हम लोगों के साथ. तो मैं ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं करके रखी थी कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, तो मैंने कोई भी तैयारी करके नहीं रखी थी. अगर कुछ पहले से मैंने ऐसे सोचा होता कि मनाएंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं यही आंटी जी के घर पे ही ऐसी व्यवस्था कर लेती थोड़ा बहुत. लेकिन अभी जस्ट मैंने ऐसे सोचा कि अब तो कुछ करना ही है, उसको सरप्राइज देना है. मैं आप लोग बता रही हूँ, सडन मेरे माइंड में ऐसे आइडिया आया कि अब उसको सरप्राइज देना है, क्योंकि वो मेरे से नाराज हो गई है. तो मैंने सोचा कि उसको मैं सरप्राइज देती हूँ ऑनलाइन ही, बर्थडे सेलिब्रेट करके ऑनलाइन ही उसको मैं उसके सामने केक काटूंगी रख करके, ये समझ लीजिए आप लोग. और फिर वो वीडियो को मैं अपलोड करूंगी. वो नाराज क्यों है मेरे से? क्योंकि मैंने उसका कोई भी वीडियो फोटो कुछ भी रिलेटेड मैंने उसका पोस्ट नहीं किया कहीं पर भी, तो वो मेरे से थोड़ा सा नाराज है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे स्पेशल ट्रीट स्पेशल फील कराऊं थोड़ा सा. तो बस यही छोटा सा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं. मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है, तो हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं. हम जाएंगे, एक छोटी सी शॉप है वहां पर जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने आप लोगों के साथ. तो वीडियो में बने रहिए. और हाँ, मेरी बहन को विश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा. तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. बने रहिए वीडियो में. सो हम लोग फ्रेंड्स निकल लिए हैं फॉर पार्टी, और अभी कोई भी नहीं आया है. हम लोग आ गए हैं यहाँ अपने बर्थडे वाले सेलिब्रेशन शॉप पे. तो मैंने इनको पहले से बताया भी नहीं था कि हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और ना ही मैंने केक सेलेक्ट किया था. तो बस आए और केक देखते हुए कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा बेटर रहेगा. पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर मुझे कुछ सही नहीं लगा ज़्यादा. और सेकेंड इसे एंड फाइनली मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो सिस फार सिस्टर हुआ एंड एस फार शिव जी. ये आ गई 3 ब्यूटी क्वीन. नहीं आएगी मेरी श्रेया, वो काटेगी. वो केक काट रही है. हाँ बर्थडे ही तो है, किसी की सालगिरह तो नहीं है. नहीं, इसी में सेलिब्रेट कर. हमारा है 1 महीने बाद, अभी कर ले रहे हैं. किसी केक में, किसी केक में सेलिब्रेशन दीदी के सालगिरह का हो रहा है. मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो रहा है, और मेरी श्रेया के बर्थडे का हो रहा है, और ये दीदी लोगों की विदाई का हो रहा है. कल ये दीदी लोग चले जाएंगे. Love.
बना रही हो। अब्बास हाँ हेलो हेलो आप बोलो हेलो ओके बाय I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, काफी ज्यादा फोटो सेशन भी ले लिए, इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी हम लोगों को, फैन भी रो रो के चल रहा है। सो फ्रेंड्स अभी तो वीडियो में अच्छा रिएक्ट कर रही थी मेरी बहन, अब जब ये सरप्राइज वीडियो देखेगी तो पता नहीं कैसे ट्रीट करेगी, मुझे नहीं पता। अब अपलोड करने के बाद देखते हैं कि उसका कैसा रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड्स उसको आप लोग विश करिएगा, बेस्ट विशेस दीजिएगा, जिससे वो थोड़ा सा खुश रहे, हैप्पीनेस फील करे, जो मेरे से नाराज है अभी सही हो जाए सब कुछ। सो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स एक बात कहूँ, सैड होने का रीज़न तो बहुत सारे मिल जाते हैं लाइफ में, लेकिन बेवजह खुश रहने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। इसलिए मुझे जब भी कोई भी छोटा सा छोटा मोमेंट्स होता है ना, अगर खुश रहने का, हैप्पीनेस फील करने का, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जाने देती। और मेरा मानना भी है, मुझे ऐसा लगता भी है कि सब लोग इन छोटे छोटे पलों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने से, इंजॉय करने से यार लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और जीवन में उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन ज़िंदगी यार। अगर ये सब नहीं रहेगी तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगेगी, है ना। तो लाइफ में हमें खुश रहना चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए दूसरों को, हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमें भी खुशी मिलेगी। और फ्रेंड्स अपने पैशन के लिए स्ट्रगल करिए, इंजॉय करिए अपने लाइफ को।